विश्वानि देव सवितर दुरिता नि परासुब यद् भद्रम् ओम शांति 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 ही नमस्ते यतः प्रवृत्तिर भूतानाम् येन सर्वमेदम् ततम् स्व कर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदती मानवाह ईश्वर वह शक्ति या कहें शक्तियों की भी नियंत्रक शक्ति जो सब का नियंत्रण करती है सब पर शासन करती है ऐसी शक्तियों की शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं जो शक्तिमान है जो हर प्रकार की शक्तियों का आधार है जो सर्वव्यापक है इसे हमें समझना होगा जानना होगा और मानना होगा और जीना भी होगा केवल हम ये सुनते तो हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं लेकिन हमारे डेली रूटीन में हम कितना इस चीज पर ध्यान देते हैं कि भगवान एक सर्वव्यापक सत्ता है भगवान को हम क्या मानते हैं अगर हम भगवान को सर्वव्यापक सत्ता माने कि भगवान हर कहीं है हर जगह है तो हम किसी चीज से घृणा कर सकते हैं क्या हम किसी चीज से द्वेष कर सकते हैं क्या हम किसी के बारे में बुरा सोच या बोल सकते हैं क्या हम किसी की निंदा चुगली घृणा हिंसा कर सकते हैं क्या कतई नहीं हम माने कि भगवान हर जगह हर कहीं है तो हम किसी भी क्षण उदास रह सकते हैं क्या हम किसी भी समय भय में रह सकते हैं क्या हम किसी भी समय कुछ गलत काम कर सकते हैं क्या क्योंकि भगवान यदि हमारे साथ में है अभी है देख रहा है तो किसी के देखते हुए तो कोई बुरा काम गलत काम करता नहीं जैसे कि माता पिता सामने खड़े हो तो कोई बच्चा लड़ेगा नहीं किसी से शांत खड़ा रहेगा कुछ गलत गतिविधि नहीं करेगा क्योंकि उसको देख रहे हैं उसके घर वाले पाप तो ज्यादातर अकेले में किया जाता है कि जहां हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन जिसे पता है कि भगवान सर्वव्यापक है ऐसी कोई जगह नहीं एक इंच एक बूंद भी ऐसी जगह नहीं है जो ईश्वर से खाली हो जहां उसकी शक्ति ना हो उसकी दिव्यता ना हो उसकी उपस्थिति ना हो उसकी जानने की शक्ति ना हो तो हम कैसे अपने आप को कभी अकेला महसूस कर सकेंगे कैसे हम भय कर सकेंगे निर्भय रहेंगे जब हमारे पास भगवान की शक्ति हमारे पास भगवान है साक्षात हम कैसे उदास रह सकते हैं तो शक्तियों की शक्ति हमारे साथ है हम कैसे निराश हताश हारे हुए रह सकते हैं प्रसन्न रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा हमारे पास आनंद में विश्राम में रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा हमारे पास यदि हम इस बात को मान लेते हैं कि भगवान हर जगह हैं, हर कहीं हैं। भगवान सर्वव्यापक है इसको मान लेना और जो हम मानते हैं वही जीते कई भले ही हम दोहराते रहे कि तुम सब जगह हो सब कुछ तुम में है तुम सब में हो ऐसा हम आरती में मंत्रों में रिचाओं में श्लोकों में कहते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना में कहते हैं लेकिन यदि हम उसको मानते नहीं तो फिर उदास भी होंगे हताश भी होंगे गलत भी सोचेंगे सारी उसकी चीजें रहेंगी उसका कुछ लाभ नहीं होगा उस स्तुति का उस प्रार्थना का उस उपासना का कि हम बोल कुछ और रहे और मान को छोड़ रहे हैं जीवन तो हमारी मान्यताओं के आधार पर होगा जीवन हमारा स्तुति और प्रार्थना के अनुसार नहीं हो पाएगा कि जो हमने सुबह सुबह भगवान का पाठ कर लिया पुस्तकों का वेद का संतवाणी को सुन लिया साधना कर ली कुछ उसके आधार पर जीवन थोड़ी चलता है जीवन किस आधार पर चल रहा है जो रिकॉर्डिंग हो रखी है जो मान्यताएं बैठ रखी हैं जो सिद्धांत बन रखे हैं ऑलरेडी जो आदतें हो रखी हैं, उसके आधार पर जीवन चलता है और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं तो इतना पूजा पाठ किया इतने जब तब किए इतना मंदिर गोमा है, गुरु भी बनाए और लेकिन मेरा जीवन वही का वही है टस से मस भी नहीं हुआ वही रूखा सूखा सा चल रहा है कोई भी आमूल चूल परिवर्तन नहीं आया दुख ही दुख है जीवन में अशांति ही अशांति है अकेलापन है अंधकार है कुछ दिखता नहीं कि जीवन में कब प्रकाश आएगा कब आनंद आएगा कोई उम्मीद नहीं नो no होप क्योंकि जो करना था वो तो व्यक्ति ट्राई कर चुका होता है तीस साल में पैंतीस साल में चालीस साल में आपको नया करने को तो रहता नहीं उसके बाद नो no होप कोई होप नहीं बचे परंतु समझने की बात तो यह है कि हमारा जीवन किस पटरी पर चल रहा है किस आधार पर चल रहा है किन मान्यताओं पर चल रहा है वो मान्यताएं जो सदा से चल रही थी वो नहीं बदली वो अभी भी वही हैं। मान्यताएं वो नहीं हैं जो हमने गुरु से सुनी है या वेद आदि ग्रंथों से पढ़ी है। वो हैं वो मान्यताएं हमारी नहीं बनी वो मान्यताएं किनकी थी ऋषियों की थी भगवान श्री कृष्ण की वो मान्यता थी जो उन्होंने गीता में बोल दी भगवान श्री राम की वो मान्यता थी जो रामायण में लिखी है वेद में हमारे अनेक ऋषियों की मान्यताएं धारणाएं जीवन पद्धति जीवन जीने का एटीट्यूड वो सब लिखा है वो हमारा नहीं है अभी हम उसे पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारा पढ़ने से उद्धार हो जाएगा वो जी करके मर मर के आदमी अपने आप को अपनी सारी कामनाओं को मार करके इतना तप करके कठोर तप करके उस जीवन को किसी ने प्राप्त किया है और हमारे लिए लिख दिया है इन पुस्तकों में और हमारा केवल पढ़ने से हो जाएगा जीना तो हमें भी है बिना जिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता और कुशल व्यक्तित्व को देखने से हमारी दृष्टि साफ होती है कि हम कहते हैं ना कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए अच्छा हमारा संग होना चाहिए सत्संग होना चाहिए कुशल व्यक्तियों का संग होने से जीवन में कुशलता अपने आप आती है कोई गलत संगत में पड़ता है तो बुरा वातावरण उसके अंदर घुस जाता है और फिर वो बुरा बुराइयों की तरफ जल्दी पग बढ़ाता है किसी को अच्छा वातावरण मिलता है कुशल व्यक्तित्व का वातावरण मिलता है गुरुओं का सज्जनों का प्रेमियों का धर्मात्माओं का ध्यानियों का उत्साह वर्धन करने वालों का तो जीवन एक अलग ही गति में अग्रसर होता है आरोहण करता है इसका बहुत महत्व और हमारे सारे ऋषि कुशल ही थे जिन्होंने इस जीवन को जिया इस संपूर्ण जीवन में क्या नहीं किया इतना भी दुख नहीं पाया लेकिन गृहस्थी भी चलाई संतति भी पैदा की संतति को भी ऋषि बना दिया अपनी तरह तप किया त्याग किया तपस्या की सर्दी गर्मी सब सहा भोग विलास की कोई इच्छा नहीं की हमेशा मोह से राग से असंग रहे कामनाओं को पैदा नहीं होने दिया अपने मन में किसी भी बुरी कामना से सदा के लिए दूरी बना करके रखी और ये सब ऐसी ही संतान को भी संस्कार दिए लेकिन इतना भी ग्लानी नहीं इतना भी दुख नहीं इतना भी कुछ भी नहीं रोग नहीं दरिद्रता नहीं इतने कुशल इतने कुशल हम हो सकते हैं हर व्यक्ति हो सकता है यदि उसकी भी श्रद्धा ऋषियों जैसी हो उसका त्याग दुर्गुण का दोषों का जो हम जान चुके हैं अपने भीतर वो ऋषियों जैसा हो बस वही ऋषि बन जाता है ऋषियों जैसा क्या जिसके अंदर कोई दुर्गुण दोष नहीं वो ऋषि बन जाता है जिसकी अखंड श्रद्धा ईश्वर में हो जाती है वो ऋषि बन जाता है ये नहीं ऋषि होते थे अब नहीं हो सकते हो सकते हैं ऋषि बस इतना करने से ऋषि के लिए कोई अलग कपड़ा पहनने के लिए कोई अलग वेश बनाने के लिए अलग माला टीका लगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती ऋषि की बस यही धारणा कि उसकी धारणा ये थी हमारी धारणा को और हमारे लिए पद का बहुत महत्व होता है तालियों का बहुत शाबाशी का बहुत महत्व होता है रुपए पैसे और लग्जीरियस थिंग्स का बहुत महत्व होता है उसके बिना हम नहीं रह सकते नहीं रह पाते अपमान में नहीं रह पाते कुछ लॉस हो गया जान माल की हानि हो गई अपनी तो नहीं रह पाते सम नहीं रह पाते धारणाओं का डिफरेंस हो जाता है मुझ में और ऋषियों में हम में और सतपुरुषों में केवल मान्यताओं का कि वो क्या मानते हैं वो ये मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर मेरा है ईश्वर ही मेरा है इस संसार का कुछ भी मेरा नहीं है लेकिन मेरा है कौन कोई भी नहीं है क्या नहीं है कौन है ईश्वर है बाकी सब कुछ ईश्वर का है तो जब ईश्वर ही मेरा है तो फिर मेरे को और किसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का ही है अब मालिक ही जिसका है तो उसको उसकी मिल्कियत की जरूरत पड़ती है क्या मिल्कियत तो मालिक के पीछे पीछे भागेगी और मालिक मेरा है इसलिए कोई भी कामना नहीं होती ऋषियों की साधक की सिद्ध की योगी की जीवन मुक्त की वो जीवन मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त अर्थात है हर प्रकार की कामना से हर प्रकार की आसक्ति से हर प्रकार की एक्सपेक्टेशन से वो मुक्त हो जाता है वही जीवन मुक्त है अंतिम चरण जिसे कहते हैं योगी का जीवन मुक्त होना कि बस मेरा ईश्वर है और इसके अलावा मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर मेरा, है।, मेरा क्या है? सब का है अब सब महसूस करें या ना करें लेकिन मैं तो महसूस करूं क्योंकि मेरे महसूस करने से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा और मेरे जीवन में परिवर्तन होगा तो मेरी दृष्टि में परिवर्तन होगा और मेरी दृष्टि में परिवर्तन होगा तो मेरी पूरी सृष्टि में परिवर्तन होगा फिर ये सारी सृष्टि मुझे उपवन जैसी लगेगी आनंद से भरी हुई सहायता करने को तत्पर मेरे साथ खड़ी हुई मेरे को ऊपर उठाने में मेरे लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी मेरे लिए। यदि मैं महसूस करता हूं कि ईश्वर मेरा है तो जिसने जिसने महसूस किया उसकी सृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि बदल गई उसकी दृष्टि बदल गई तो उसकी सृष्टि बदल गई दृष्टि तब तक नहीं बदलती जब तक हमने किन्हीं दूसरी धारणाओं का चश्मा पहन रखा है जो धारणाएं ट्रेंडिंग कर रही हैं इस संसार में कि संसार में केवल पद का ही महत्व है बड़ी गाड़ी का बड़े घर का ब्रांडेड कपड़ों का गोरा दिखने का और भी बहुत सब ये सारी चीजें होती ना बड़े बनने की एक टैग बड़े बनने का एक एक धारणा रहती है कि ये व्यक्ति बड़ा है वो बड़ा नहीं है जो सच बोल रहा है या जो ईमानदारी से जीवन जी रहा है जो क्रोध नहीं कर रहा है जो जिसमें कोई कामना नहीं निष्काम है जो अंदर से प्रीति रख रहा है सबके प्रति जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है बेझिझक बिना कुछ चाहे जो कोई दोष नहीं करता कोई गलत आदत नहीं दोहराता वो व्यक्ति बड़ा माना जाता है क्या बड़े की तो कोई और ही धारणा है हमने मान रखी हमने मान रखी हमने सुन रखी है इस संसार से हमने ग्रहण कर रखी है एक धारणा तो हमारे ऋषि भी बताते हैं कि इस पर विश्वास करो ये सत्य है ये धर्म है ये नित्य है ये ऋत है ये धारणाएं कभी नहीं बदलने वाली ऋषियों की भगवान की कि ये धारणाएं सदा से थी अभी भी हैं सदा रहेंगी हाँ इसलिए जो थोड़े भी बुद्धिमान हैं जिनकी बुद्धि थोड़ा भी कार्य करती है जिनकी बुद्धि में थोड़ी भी सोचने की शक्ति है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मैं सही धारणा पाले हुए हूं या गलत धारणाओं पे गलत दिशा में गलत जीवन जी रहा हूं और खूब खून पसीना बहा रहा हूं और हाथ कुछ नहीं आ रहा है कोई प्रसन्नता नहीं कोई उत्साह नहीं कोई शांति नहीं कोई दिव्यता की एकमेंट की अनुभूति नहीं बुद्धिमान व्यक्ति सोचने लगता है कि ऋषियों की धारणा मुझसे अलग कैसे गुरुओं की धारणा मुझसे अलग कैसे मेरी धारणा अलग नहीं रह सकती जो मेरे गुरु की धारणा है मैं भी उसी चीज को प्रायोरिटी दूंगा गुरु की धारणा है सबके प्रति उदार रहना तो मैं सबके प्रति उदार रहूंगा कम से कम में जीवन चलाना तो कम से कम मैं अपने जीवन को जीऊंगा ईश्वर को अपना मानना तो बस मैं उसी को अपना मान के लिए उसी के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा तो मेरी धारणा एक हो जाती है हमारे जीवन का आधार एक हो जाता है तो जीवन वही हो जाता है जो गुरु का है जो ऋषियों का है गुरु की तरह वेश बनाना तो बहुत आसान है है ना कपड़े बदल लेना दाढ़ी ही बढ़ा लेना बढ़ाना गया वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना कटवाएं तो घर छोड़ देना हम्म ये सब आसान है लेकिन अपने जीवन के सिद्धांत वो गुरु वाले सिद्धांत अपने जीवन के बना लेना कि अब मैं जी रहा हूं चाहे मैं अकेले में हूं या सौ लोगों के बीच हो मेरा जो बोलने का सिद्धांत है सोचने का सिद्धांत है करने का से व्यवहार आचरण का सिद्धांत है वो वही होगा जो मेरी गुरु परंपरा का है जो मेरे ऋषियों का ये कठिन है ये कोई देखता नहीं है बाहर से ये तो हम अंदर से जीते हैं जिसे हम अपने से नहीं छुपा सकते जिसे हम अपने अंदर के गुरु से अपने अंदर के गुरु के गुरु ईश्वर से नहीं छुपा सकते वो हमारा पर्सनल हमारा डिसीजन है बाकी बाकी वो संसार को नहीं दिखेगा कि इसके क्या सिद्धांत हैं। आदमी तो सिद्धांतों को तो छिपा लेता है दिखाता अच्छा अच्छा है कि मैं साधक हूं मैं सिद्ध हूं मैं बुद्धिमान हूं मैं योगी हूं मैं तपस्वी हूं दिखाना तो बहुत आसान है दो चार अच्छी बातें कर दी हाथ में दिखाना आसान होता है जीना कठिन होता है लेकिन जिसके वो दिखेगा अपने आप यदि व्यक्ति जी रहा है तो वो दिखेगा अपने आप और उसका फोकस भी दिखलाने में नहीं होता कि व्यक्ति क्या देख रहा है मैं क्या दिखा रहा हूं कोई फोकस नहीं उसका फोकस है अपने भगवान पर भगवान पर फोकस होता है तो जो होता है वो अच्छा ही होता है और यदि भगवान पे फोकस नहीं है इस संसार पे फोकस है ये अच्छा माने तो कुछ भी कर लो वो सब गलत है फिर संसार को फोकस में रख करके कुछ भी कर लो वो सब गलत है ईश्वर पर फोकस रख के व्यक्ति व्यक्ति फिर करने पर ध्यान नहीं देता वो ईश्वर पर ध्यान देता और ईश्वर पर जिसका फोकस है जो निष्काम है वो जो भी करेगा वो सब एग्जाम्पलरी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वो सब दिव्य हो जाएगा वो सब यज्ञ बन जाएगा और लौकिक चीजों के लिए व्यक्तियों के लिए यज्ञ भी किया तो वो राख हो जाएगा उसका कोई वो नहीं है ना चीजें दिव्य नहीं हो पाएंगी इसलिए जो दृष्टि है सामान्य व्यक्ति की संसार की ओर होती है दिखाने की तरफ होती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं वो कैसा दिख रहा है लेकिन भगवान की तरफ दृष्टि होती है भगवान के भक्तों की स्वयं की तरफ दृष्टि होती है योगी की हाँ संसार की तरफ भी दृष्टि होती है कर्मयोगी की कि संसार में कितने दुखी हैं वो संसार को दिखाने के लिए नहीं दूसरों के दुख में करुणित तो होना दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना उसका जीवन रस से भर जाएगा जो दूसरों के दुख से दुखी होगा उसके खुद के दुख रह पाएंगे क्या इतने एक दिन क्या एक घंटे और एक बूंद भी उसका खुद का दुख नहीं रह पाएगा दुख होना जीवन में कहा है बहुत जरूरी है लेकिन और दुख होना बाय डिफॉल्ट है पैदा होते ही लड़के को दुख होता है जो भी पुत्र पैदा हुआ है पुत्री वो रोने लगता है कोई सुख थोड़ी कि निकलता ही हंसने लगा हा, हा हा बहुत मजा आया निकल के पैदा होते ही दुख और कहा दुख नहीं है उसका मालिश करो तो रोए नहलाओ, धुलाओ तो रोए कपड़ा पहनाओ तो रोए स्कूल भेजो तो रोए और जब बारहवीं पढ़ के निकले तो रोए कि अब मैं निकल क्यों रहा हूं कॉलेज जाए तो रोए कॉलेज से निकले तो रोए नौकरी में फंस जाए तो फिर रोए शादी ब्याह फिर तो गलत पार्टनर मिल गया तो रोता ही रोता रहता है फिर वो जीवन भर फिर बच्चे ठीक मिल जाए तो वो भी एक भगवत कृपा है लेकिन दुख तो है ही इसे दुख खा ले इसीलिए कहा है इसमें दुख है लेकिन उसके जीवन में दुख नहीं होता अपना दुख नहीं होता जो दूसरे के दुख को अपना बना लेता है उसके जीवन में अपना और दुख तो इसी बात का होता है कि दुख अपना है दुख अपना ना हो तो दुख दुख नहीं है हाँ दुख दुख ही नहीं कर सकता यदि दुख अपना ना हो तो ये एक बड़े सिद्धांत की बात है और दुख अपना कब नहीं होगा जब दूसरों का दुख अपना लगने लगेगा तब जब हम दूसरों को अपना मानने लगे और दूसरों के दुख से हम दुखी यानी करुणित होने लगे तो हमारे जीवन में अपना कोई दुख नहीं होगा और जिसके जीवन में अपना कोई दुख नहीं होता वो दुखी नहीं होता क्योंकि दुखी केवल अपने दुख से हुआ जाता है दूसरे के दुख से दुखी नहीं होगा दूसरे के दुख से करुणा आएगी और उसकी मदद करने का मन करेगा जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कितने लोग आते हैं कैंसर से पीड़ित चिल्लाते बिलखते किसी को अस्थमा किसी को ऑटोइम्यून डिजीज भयंकर से भयंकर रोग परेशान पूरे शरीर में फोले फोले पड़ रखे फूट रहे करुणा तो होती है कि इनको मुझे ठीक करना है प्रभु इनके इनका हित करना है मुझे हित की कामना तो होती है उनके दुख से पीड़ा भी होती है लेकिन वो दुखी नहीं होते निराश नहीं होते क्योंकि वो उनका दुख है वो पीड़ित मुझे नहीं करेगा करुणा करेगा कि मैं उनका हित कर सकूं ये तो ऋषियों की भावना है संतों की भावना है और उसी भावना से प्रेरित होकर फिर महाराज जी कितनी सारी जड़ी बूटियों का निर्माण करते हैं योग ग्राम में कितना सुंदर उपचार करते हैं और उनको हंसता हंसता घर वापस विदा करते हैं हाँ उनकी शुभ कामना के साथ यज्ञ भी चलता है कि इनको कोई दोबारा रोग ना हो ये इसी तरह योग यज्ञ करके सुखी रहें स्वस्थ रहें और जो दूसरों को दुख से आ, कोई उनको लेना देना नहीं है तो क्या उनके जीवन में दुख ही नहीं होता उनके जीवन में खूब दुख है ज्यादातर संसार तो ऐसे ही लोगों से भरा है जो दुख का व्याख्यान करते रहते हैं किसी से भी मिलेंगे अरे जी ये दुख है अरे जी वो दुख है दुख दुख तो है ना लेकिन महाराज जी ने अरबों खरबों रुपए का ये साम्राज्य है उनसे कोई मिलता है तो सुख की चर्चा हंसी खुशी क्योंकि उन्होंने सब को अपना मान रखा है और किसी को कुछ भी दुख है तो वो उनका है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए काम करूंगा तो एक बात की तो भगवान गारंटी ले लेता है कि तेरे जीवन में खुद का कोई दुख नहीं होगा उसके लिए कोई जगह नहीं बचते जो जो सेवक होता है उसके लिए अपने जीवन में कोई दुख नहीं होता ये दुख रहित हो जाता है क्योंकि बस वही मोटो लाइंस होती है कि मैं नहीं मेरा नहीं यह सब किसी का है दिया तो सब कुछ उसका है मैं चिंता नहीं करूंगा और वो मेरा है और मैं उसका हूं और वो ही मेरा है मैं उसके लिए कर रहा हूं इसलिए साधक दिखावा नहीं करता और जो दिखावा करता है वो साधक नहीं होता और हमें पता है कि हमारे जीवन का आधार सिद्धांत धारणाएं क्या हैं हमारे जीवन की धारणाएं सेम टू सेम डिटो हमारे ऋषियों जैसी हमारे गुरुजन जैसी हो और हम वैसा ही जिए हम जैसा दिखाते हैं हम जैसा बोलते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाए अंदर से हमारा मानस वैसा ही हो जाए तो आनंद ही आनंद है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं नमस्ते